चलिए आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर। मिलावट की आदत अब इंसान और भगवान में फर्क करना छोड़ देना, जब तो मिलावट की साजिश जब लोगों की धार्मिक आस्था का माहौल उड़ाने लगे, मिलावट जब लोगों की जिंदगी में गंदगी परोसने लगे, तो समझ लीजिए हम नफरती मिलावट की किस लैंडमाइन पर बैठे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते में मिलावट की ऐसी खबरें आई हैं जिसके खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। एक खबर, तिरुपति बालाजी महाप्रसाद बीफ फिश ऑयल सुअर के अंश की मिलावट, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। दूसरी ओर मथुरा वृंदावन काशी विश्वनाथ अयोध्या में भी प्रसाद की जांच शुरू की मांग हो गई है। मथुरा में तो जांच के लिए जब छापेमारी हुई तो कई दुकानदार दुकान बंद करके फरार हो गए, कई दुकानदार। दूसरी ओर गाजियाबाद में थूक वाली रोटी यूरिन वाले जूस के खिलाफ महापंचायत हुई है, दो तस्वीरें। शुद्धता से साजिश, इस महापंचायत में ऐसे लोगों के बहिष्कार की मांग की गई है जो खाने पीने की चीजों में जानबूझकर गंदगी मिलाते हैं, फैलाते हैं, रोटी में थूकते हैं, जूस में यूरिन मिलाने की जिन पर आरोप लगते हैं उनके खिलाफ आज महापंचायत हुई। समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो फूड अल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है इसकी नाकामी रही है, और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। सभी हिंदू इसका बदला लेंगे। ये बहुत बड़ा आघात पहुंचा रहा है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल। इसके लिए बड़े कड़े कानून हो, जिस तरीके से भी हम लोगों ने नकल पर रोक लगाया उसी तरीके से कड़े कानून आए जिससे कि इस खाद्य मिलावट में भी रोक लग गया। ये हमारे साथ धोखा है, सनातन को खत्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश। घटना जितनी चिंताजनक है उतनी ही निंदनीय भी है। तो क्या यही हिंदू संस्कृति है, यही धर्म के रक्षक है? इसका जवाब तो बीजेपी को देना पड़ेगा। देखिए, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में बीफ फिश ऑयल और सुअर की चर्बी के अंश मिले। इसके बाद भारत के कई प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद की शुद्धि पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जिस तरह भारत में ना समान नागरिक कानूनों के लिए कॉमन सिविल कोड की मांग हो रही है, उसी तरह ना देश में प्रसाद की शुद्धि के लिए कॉमन प्रसाद कोड भी क्या लागू होने का टाइम आ गया साहब। ये मामला देवालयों की शुद्धता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए आज तिरुपति मंदिर की शुद्धता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए मंदिर की पवित्रता के लिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। महाशांति होम हुआ, महाशांति होम में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चारण के बीच माफी मांगी गई, शुद्धि की गई मंदिर की, और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी से मंत्रोच्चारण के बीच माफी मांगी गई, ये वो तस्वीरें हैं। इस केस में अब आंध्र प्रदेश सरकार ने SIT जांच के ऑर्डर दे दिए हैं। प्रसाद में बीफ, लार्ड यानी कि पिग फैट, फिश ऑयल, अब SIT बताएगी साहब कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट कैसे आया, दोषी कौन। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के डिप्टी CM पवन कल्याण ने कहा है कि वो प्रायश्चित के लिए 11 दिनों का व्रत करेंगे। वहां शुद्धि हो रही है और ये शुद्धि की तस्वीरें, 11 दिनों का व्रत पवन कल्याण। देखिए, तिरुपति मंदिर के प्रसाद में फिश ऑयल, बीफ फैट, पिग फैट, इसकी पुष्टि होने के बाद भारत में ना सभी देवालयों की पवित्रता और प्रसाद की शुद्धता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर के प्रसादम में जानवरों की चर्बी की खबर के बाद सुनिएगा बड़ी खबर है। यूपी खाद्य विभाग ने पिछले 48 घंटे में बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि, गोवर्धन पर्वत के पास दुकानों पर जो बाहर प्रसाद मिलता है ना, बाहर दुकानों के बाहर दुकानों पर प्रसाद के सैंपल लिए। चौंकाने वाली बात यह रही कि जैसे ही खाद्य विभाग की टीम सैंपल लेने के लिए पहुंची, कई दुकानदार दुकानें बंद करके भाग गए। दुकानदारों ने साहब ऐसा क्यों किया हमें नहीं पता। प्रसाद का सैंपल लिए जाने को लेकर उनमें किस बात का डर था, ये बात प्रसाद के सैंपल की जांच रिपोर्ट से शायद अब सच सामने आ जाएगा। लेकिन मथुरा में मंदिरों के प्रसाद में मिलावट को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बड़ा दावा कर दिया। डिंपल यादव ने कहा कि मथुरा वृंदावन में जिन चीजों से मिठाइयां बन रही हैं, प्रसाद बन रहे हैं, उनकी योगी सरकार को जांच करानी चाहिए। बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने भी कहा है कि तिरुपति की तरह मथुरा वृंदावन में भी जिस घी से प्रसाद बन रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा राम मंदिर के खिलाफ सवाल उठाने वाले और रामचरितमानस का लगातार अपमान करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को भी मंदिरों की पवित्रता और शुद्धता की चिंता सताने लगी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब पुजारियों और धर्माचार्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा है कि मंदिर परिसर में पुजारियों की मिली भगत की वजह से मिलावट हो रही है। सुनिए। जो ये हमारा फूड अल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसको पूरी तरह काम करना चाहिए और ये जांच बिठानी भी चाहिए। जिस तरह आप बता रहे हैं कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी है की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। मंदिर के परिसर में प्रसाद या प्रसाद की सामग्री बिना वहाँ के धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारियों की अनुमति के अंदर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है इन पंडित पुजारियों संत महंत धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं ना कहीं मिली भगत है। और यही नहीं, इसी प्रकार की कुछ शिकायत अयोध्या रामलला मंदिर में भी चर्बी युक्त प्रसाद बांटने की खबर आई है। आपको बता दें कि कुछ लोगों के लिए ना प्रसाद में मिलावट मंदिरों पुजारियों को टारगेट करने का नया मौका होता है साहब। वहीं कुछ वैसे ये सनातन को टारगेट करेंगे, रामचरितमानस को टारगेट करेंगे, लेकिन अभी इन्हें मंदिरों के प्रसाद की बड़ी चिंता हो रही है। वहीं कुछ मंदिरों ने प्रसाद की शुद्धि के लिए ना अलग से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लखनऊ के मनकानेश्वर मंदिर में तो बाहर से लाए प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर की ओर से कहा गया कि भक्त अपने घरों से बनाया प्रसाद या सूखे मेवे ही मंदिर में अर्पित करें, इसलिए अब धर्मगुरु भी मंदिरों में प्रसाद की शुद्धता पर चिंता जाहिर कर रहे हैं। तिरुपति की जो लड्डू की बात हुई, ये बहुत बड़ा आघात पहुंचा है करोड़ों हिंदुओं के आस्था पर, उनके दिल में। ये जो चोट जो है, ये अक्षुण्य अपराध है। जो भी इसमें शामिल है, प्रत्यक्ष और परोक्ष इसमें शामिल है, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है, ये हमारे साथ धोखा है। सनातन को खत्म करने की साजिश, सनातन को भ्रष्ट करने की साजिश, सनातन को मिटाने की साजिश, ये सदियों से हुई है, सदियों से होती आ रही है, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिश है। देखिए, मंदिरों के प्रसाद में मिलावट रोकने की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग आम जिंदगी में ना साहब खाने पीने की चीजों में साजिश के तहत गंदगी की मिलावट कर रहे हैं, उनका क्या करिएगा, उसे किस तरह से रोकेंगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। अभी गाजियाबाद में हुआ था ना, जूस में यूरिन मिलाने को लेकर आक्रोश अभी थमा भी नहीं गाजियाबाद। योगी आदित्यनाथ ने भी जिक्र किया था कि गोरखपुर में सब कुछ शुद्ध मिलेगा। आप हैरान हो जाएंगे, महाराष्ट्र के ठाणे में भी ऐसा ही घटना सामने आ गई है। गाजियाबाद और अब ठाणे, महाराष्ट्र, घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में अली खान नाम का आरोपी अपने ठेले पर फल के साथ एक यूरिन की थैली भी इसने रखी हुई दिखाई दे रही है। आरोप है कि अली खान ठेले पर रखी थैली में यूरिन करता था और उसके साथ ही फल बेचता था।
क्या करिएगा साहब। वीडियो वायरल होने के बाद महाराष्ट्र पुलिस ने अब गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ऐसे कितने और होंगे जो पकड़े नहीं जाएंगे या पकड़े नहीं गए होंगे, पता भी नहीं लग पाता होगा। तो एक आधा वीडियो वायरल हो जाता है, पुलिस एक्शन ले लेती है। महाराष्ट्र पुलिस ने इसको गिरफ्तार अब कर लिया है, लेकिन कब से चल रहा होगा ये सब। गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने की घटना के विरोध में आज महापंचायत हुई, कल महापंचायत हुई। ये वो तस्वीरें थी। इस महापंचायत में हजारों लोगों के अलावा साधु संतों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में कहा गया कि जो लोग रोटी में थूकते हैं, जूस में यूरिन मिलाते हैं, उनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। मुस्लिम समाज को इनके खिलाफ फतवा लाना चाहिए, इनका मुस्लिम समाज के लोगों को बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि इसका धर्म से तो कोई लेना देना है नहीं ना साहब। ये तो शुद्धता का मामला है, हाइजीन का मामला है। इस महापंचायत में मुस्लिम समाज से कहा गया कि वो 7 दिनों के अंदर अंदर ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा जारी करें जो रोटियों में थूकते हैं, जूस में यूरिन मिलाते हैं, खाने पीने की चीज़ों को अपवित्र करते हैं। ये सब तो हो रहा है ना। हालांकि कुछ लोग खाने पीने की चीज़ों में गंदगी की मिलावट को धार्मिक एंगल से भी देखते हैं। हमारा मानना है साहब कि ऐसी घटनाएं स्वच्छता के अधिकार से जुड़ी हुई है। हाइजीन और स्वच्छता का अधिकार बिना सख्त कानून के नहीं मिल सकता है। इस बात को आप ऐसे समझिए साहब कि जो गाजियाबाद में जूस में यूरिन मिलाने के आरोपी साबिर पर जो धाराएं लगी है ना, जूस में यूरिन बीएनएस की धारा, उसमें मैक्सिमम 6 महीने की सजा होगी। 6 महीने, सोचिए कितनों का क्या उसने कर दिया होगा अब तक, जूस यूरिन सारी चीजें, और उसको क्या मैक्सिमम 6 महीने की सजा। साबिर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 272, 274, 275 के तहत केस दर्ज हुआ। मिलावट के खिलाफ लगने वाले इन धाराओं में मैक्सिमम 6 months इंप्रिजनमेंट, 6 महीने या 5,000 का जुर्माना। यानी आप जिस मामले को जूस में यूरिन मिलाने के तौर पर देखते हैं, उसे कानून में सिर्फ मिलावट के तौर पर देखा जाता है। यानी कि आपके जूस में कोई कलर मिला है, केमिकल मिला है, पानी मिला है, यूरिन मिला है, इसमें सजा सिर्फ कानून के तहत होगी 6 months मैक्सिमम, 6 महीने की सजा। और वो भी मतलब होगी जब पीड़ित व्यक्ति के जीवन अगर वो खतरे में पड़ जाए तो। इसी तरह तिरुपति के महाप्रसाद में बीफ सुअर के अंश की मिलावट भले करोड़ों हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर दिया हो, कुछ मुनाफाखोरों ने या कुछ सनातन विद्रोहियों ने, सनातन शत्रुओं ने या मुनाफाखोरों ने, दो ही होंगे ना, या तो मुनाफे के चक्कर में हो गया या हिंदू धर्म से था कष्ट इसलिए कर दिया धर्म भ्रष्ट, ये दो ही चीजें हो सकती है, तो मुनाफाखोर या सनातन शत्रु। मतलब आप सोचिए करोड़ों हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाई, खिलवाड़ किया, धर्म भ्रष्ट कर दिया, लेकिन कानून की नजर में यह मामला भी सिर्फ मिलावट से जुड़ा ही तो है। मिलावट, जब तक ये ना साबित हो कि भगवान के भोग में एनिमल फैट की मिलावट मंदिर को अपवित्र करने की साजिश के तहत या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए ये सब किया गया हो। इसलिए आपको हमें स्वच्छता का अधिकार साहब तब मिलेगा जब मिलावट संबंधी कानून और सख्त बनाए जाएंगे, और खाने पीने की चीजों में जानबूझकर गंदगी मिलाने वालों को बड़ा अपराध मानकर सजा मिले, और सबसे बड़ी बात जो महापंचायत में खुद मुस्लिम समाज को ऐसे लोगों के खिलाफ फतवा लाना चाहिए जो रोटी में थूक रहे हैं या यूरिन वाला जूस पिला रहे हैं, फतवा निकालना चाहिए।